कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों को हकीकत में बदलना जानते हैं। ऐसा ही सपना सीएम अखिलेश यादव ने देखा था जो आज पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सौगात देकर सीएम ने जनता की मुश्किलों को दूर किया है। ये सड़क जहां रफ्तार बढ़ाएगी, शहरों और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी, ये दो राजधानियों को जोड़ने का काम करेगी, दिल्ली और लखनऊ को, वहीं शहरों को जोड़ने का काम कर रही, साथ ही साथ गांव भी जुड़ने का काम होगा इस सड़क के माध्यम से। जहां लखनऊ से आगरा जाने में करीब 6 घंटे लगते थे, वहीं अब एक्सप्रेसवे के जरिए ये दूरी तय करने में सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का समय बचेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 6 लेन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण उन्नाव जिले के बांगरमऊ में किया। इतना ही नहीं, 11 फाइटर प्लेन ने इस एक्सप्रेसवे पर लैंड और टेक ऑफ भी किया। ये पहला मौका था जब फाइटर प्लेन के जरिए किसी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम 23 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इतने कम समय में अब तक किसी भी सरकार ने इतनी तेजी से काम नहीं किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया हो। वहीं आपात स्थिति में हवाई पट्टी पर जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, लैंडिंग टेक ऑफ के दौरान दोनों ओर से ट्रैफिक भी चलता रहेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 370 किलोमीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। एक्सप्रेसवे उन्नाव, कानपुर, हरदोई, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और फिरोजाबाद को आगरा से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की सड़क को आने वाले समय में 12 लेन किया जाएगा। यही मेहनत अगर रहेगी तो देश के आगे प्रदेश में तमाम हम लोग उदाहरण देने में कामयाब होंगे कि हाँ, ऐसे भी काम किया जा सकता है और ऐसे बड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। कहते हैं इरादे बुलंद हो तो सपने सच हो ही जाते हैं, और सीएम अखिलेश यादव का ये प्रोजेक्ट सपने को हकीकत में बदलने की एक ऐसी ही मिसाल है।